हेलो, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग डिशेस। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ज़बरदस्त रेसिपी जिसका नाम है साबित मसूर पुलाव। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने मीडियम साइज़ के 4 डली प्याज लिया है और 1 किलो 250 ग्राम साबित मसूर की दाल धो के इसे आधे घंटे के लिए भिगा कर रख दिया था। और यहाँ मैंने 1 किलो चावल बासमती राइस, इसे भी धोकर भिगा कर रख दिया है। और यहाँ हम प्याज इस तरह से अच्छी बारीक काट लेंगे ताकि अच्छे से फ्राई हो सके वो, और बहुत खूबसूरत तली जाती है अगर अच्छे से बारीक काटेंगे आप प्याज, वरना थोड़ी कच्ची थोड़ी अच्छी तले जाएगी वरना कच्ची रह जाएगी। यहाँ मैंने दाल को एक भगोने में पानी डालकर गलने के लिए रख दिया है। अब हम दूसरे भगोने में डालेंगे 1 से 1.5 कटोरी तेल। फिर ये तेल हमें बाद में भी काम में आएगा, इसीलिए ज़्यादा भी डालें तो आप यूज़ में तो आ जाएगा। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। यहाँ पर हम प्याज को अच्छे से फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। प्याज में हम 1/4 चम्मच नमक भी डालेंगे ताकि प्याज में भी थोड़ा सा नमक रहे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आप लोग जब ये ट्राई करेंगे ना तो बोलेंगे कि दाल से भी इतनी मज़ेदार पुलाव बन सकती है क्या। फिर आप मुझे कमेंट करके बताना कि किस तरह बनी थी। यहाँ स्क्रीन पर मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, उसे भी शेयर करिए, फॉलो करिए। यहाँ पर हमारी प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे भगोने से निकाल लेंगे एक प्लेट में। यहाँ पर हम चेक करेंगे कि दाल गली है या नहीं, तो दाल गल चुकी है। ज़्यादा भी ना गला दें वरना वो बिल्कुल ही पेस्ट बन जाएगी। यहाँ पर मैंने दाल को इस छन्नी में निकाल दिया है ताकि इसमें का सारा पानी रिमूव हो जाए। आप देख सकते हैं इस तरह मैंने दाल का सारा पानी रिमूव कर दिया है। जिस भगोने में हमने प्याज फ्राई की थी उसी में हम डालेंगे हरी मिर्ची पिसी हुई 2 चम्मच। अब इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट आपका घर का ही छिला हुआ पिसा हुआ रहेगा, तभी खुशबू भी ज़्यादा आएगी और टेस्ट में भी बहुत मज़ेदार बनेगा। इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, इसे मिक्स करेंगे इसी तरह। अब इसमें डालेंगे 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 लौंग और थोड़ा सा शाहजीरा, इसे भी मिक्स करके फ्राई होने देंगे। अब डालेंगे इसमें 3 चम्मच मिर्ची पाउडर, इसे भी अच्छे से फ्राई होने देंगे। अब इसमें डालेंगे 350 ग्राम दही, इसे भी इस तरह मिक्स कर लेंगे। से इस तरह से मिक्स करते जाएंगे ताकि इसके पीसेस ना रह जाए, फिर वो सही से मिक्स नहीं होगा, ग्रेवी सही नहीं बनेगी। अब यहाँ पर हम 2 चम्मच नमक मिला देंगे इसमें, इसे मिक्स कर लेंगे। आप नमक और मिर्ची आपके टेस्ट के हिसाब से मिक्स करिए। मैंने हरी मिर्च तेज़ वाली ली थी इसीलिए मैंने 3 चम्मच लाल मिर्ची डाला है, आप आपके टेस्ट के हिसाब से मिक्स करिए। चलिए अब ग्रेवी में हम ऐड करते हैं दाल। आप देख सकते हैं इस तरह से बगैर पानी की दाल है ये, इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
आप पानी भी देख लीजिए, ज़्यादा पानी नहीं है इसमें दही का। यहाँ पर हम ऐड करेंगे दो इलायची, कोथमीर और पुदीना कटा हुआ। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से ताकि पुदीने का अच्छा सा टेस्ट आ जाए दाल के अंदर। जो प्याज हमने फ्राई करके रखी थी इसे हम इसी तरह हाथ से ही बारीक कर लेंगे। आप जार में भी बारीक करके इसका पेस्ट डाल सकते हैं, मैंने इसी तरह मिक्स कर दिया था। इसमें डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, इसे मिक्स कर लीजिए। यहाँ पर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। यहाँ हम एक भगोने में पानी डाल देंगे, इसमें डालेंगे दो इलायची, दो लौंग और दालचीनी के टुकड़े, थोड़ा सा शाहजीरा। इसे पकने के लिए रख देंगे। यहाँ पर पानी पक चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे एक मुट्ठी नमक। मैंने नमक पहले ऐड नहीं किया था, पानी पके बाद मैं ऐड करती हूँ, नहीं तो इस तरह पहले नमक डाल के पकाने से भगोने पे निशान आ जाता है खारे पानी का, इसीलिए। अब हम इसमें चावल ऐड करके पका लेंगे। एक किलो चावल के लिए एक मुट्ठी नमक डालना चाहिए, वो बराबर मेजरमेंट है। वो डाल दिए बाद इसमें डालेंगे दो से तीन हरी मिर्ची और डालेंगे थोड़ी सी कोथमीर। चावल एक दूसरे को ना चिपके इसके लिए हम डालेंगे थोड़ा सा मीठा तेल। यहाँ हमने चावल को 90% पका लिया था, इसे निथार लिया है। अब हम इस पर डालेंगे दाल की लेयर। अब इस पर डालेंगे नींबू का रस। यहाँ डालेंगे कोथमीर पुदीना इस तरह से। फिर चावल की एक लेयर इस पर से डालेंगे। अब डालेंगे इस पर कलर्स। थोड़ी सी प्याज और ये डालेंगे असली घी। असली घी डालने से चार चांद लग जाते हैं बिरयानी में या पुलाव में, तो आप लोग भी डालिए। इसे हम 5 मिनट्स फुल फ्लेम पे और उसके बाद 5 मिनट्स लो फ्लेम पे रख देंगे। अब ये दम हो चुकी है। यहाँ पर हमारी मसूर पुलाव बिल्कुल रेडी है। मेरे बाजू फ्लैट में मेरे भाभी रहते हैं, तो जब मैं ये पका चुकी थी जब उन्होंने पूछा कि आखिर क्या बनाया है आपने, इतनी सारी खुशबू आ रही है तो अगर आप भी ये बनाएंगे तो सब लोग बोलेंगे वाह वाह क्या मज़ेदार डिश बनाए हैं आप। अगर आप लोगों को ये मेरी डिश अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।